सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और घंटे बटन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो, कौन? मैं हिंदुस्तानी हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगा। हिंदुस्तानी कौन और आपको क्या अच्छा नहीं लगा? मैं हिंदुस्तानी हूँ और अच्छा तो वो हिंदुस्तानी आप हैं राहुल जी। हाँ तो राहुल जी, अब बोलो क्या अच्छा नहीं लगा? कि आप किसानों का कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। उनके बारे में गलत बोला और मैं हिंदुस्तानी हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो राहुल जी, आपकी परेशानी मोदी जी हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा राहुल जी, वो तो होता रहेगा। तो बताओ क्या हो रहा? नहीं मगर सुनिए, अभी मजा आएगा। पूरे हिंदुस्तान को बताया कि 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डाल दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने बताया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुपर टॉम है। आपके बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए डाला? मेरे खाते में तो नहीं है कोई 15 लाख रुपए। आपको वो छुपा रहता है पीछे वाले कमरे में। काम कोई करता है, फायदा किसी और को मिलता है। यह है हिंदुस्तान की सच्चाई। आपकी बात तो सही है राहुल जी। दो तीन और उदाहरण देना चाहता हूं। हाँ राहुल जी, दीजिए दीजिए। कोका कोला कंपनी का नाम सुना है आपने? यहां कोई कोई व्यक्ति है जिसने कोका कोला कंपनी का नाम नहीं सुना हो? सबने सुना है। अब आप मुझे बताओ कोका कोला कंपनी को किसने शुरू किया? कौन था ये, कोई जानता है? मैं आपको बताता हूं कौन था। कोका कोला कंपनी को शुरू करने वाला एक शिकंजी बेचने वाला व्यक्ति था। वो अमेरिका में शिकंजी बेचता था, पानी में चीनी मिलाता था। राहुल जी, मैं इनको लाया, मैंने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और आज मैं लोकसभा का सांसद। नरेंद्र मोदी जी मुझे एक शब्द नहीं बोलने देते, मैं उनके सामने जाकर बोल नहीं सकता हूं। और मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, ये सब डरे हुए हैं, ये सब डरे हुए हैं। इनके दिल में, सबके दिल में ये है। हम लोकसभा में बैठे हैं, विधानसभा में बैठे हैं, मगर हमारी यहां कोई बात नहीं सुनता। बात सिर्फ आरएसएस की सुनते हैं। ये बात तो गलत है राहुल जी। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है।